हाँ, यह जरूर कुछ दिलचस्प है। मुझे नहीं पता था कि किटकैट ने कैमरे बनाए हैं। क्यों ना इसका टेस्ट लिया जाए? किस पर? सेब पर? वाह, अब यह सेब चॉकलेट बन गया है और बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मैं यहाँ सब कुछ चॉकलेट में बदलने जा रहा हूँ। लैंप, टेबल, शोपीस। ओह, कितना बढ़िया है। बेन, हाय दोस्त, तुम्हारे पास यह क्या है? ओह, नया कैमरा, तो चलो एक सेल्फी लेते हैं। ओह नहीं, इस सब का परिणाम जरूर अच्छा नहीं होने वाला है। क्या हुआ? हम कहाँ हैं? वाह, शायद यह यहाँ मजेदार होगा और स्वादिष्ट। मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह व्यंजन श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। आ, यह चल रहा है। ओ, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुंचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। यह डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। यह तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी। ये मेरा है। ओ, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों, देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेंसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम तीन की गिनती पर खोलें। 1, 2, 3। वाह, यह बूमरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ, मुझे चॉकलेट बूमरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं है। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा।
और मैं अपने बालों में कंघे भी नहीं कर सकती। कंघे मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा ताकि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है, कूल है, हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर, यह बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, यह सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद, बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता। बेटी मेरे साथ आओ, तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। किया है, अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो। यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है, कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है। बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ हाँ, आउच, इतने जोर से क्यों मारा? ओ, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह, अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह, मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था, मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है लालची, अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ, बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। मल्टी डू को सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी किसी स्वादिष्ट और मजेदार चैलेंज को मिस ना करें। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या चुनेंगे, असली खाना या चॉकलेट।